आप देख रहे हैं शेखावाटी की खास खबरें। राष्ट्रव्यापी आह्वान पर श्रमिक संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों का जताया विरोध। सीकर में श्रमिकों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। जिला कलेक्टर के आदेशों की निजी स्कूलों ने खुलेआम की अवहेलना। छोटी कक्षाओं की नहीं की छुट्टियां। कड़ाके की सर्दी के बाद भी छोटे बच्चों को राहत नहीं। सीकर के गौरव हॉस्पिटल में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर रजनी प्रभा ने दिया परामर्श। सीकर के फतेहपुर रोड शिव कॉलोनी में पानी निकासी की गंभीर समस्या। नगर परिषद नहीं दे रही है ध्यान। गली मोहल्लों में भरा पानी। उदयपुर वाटी पंचायत समिति के बागौरा गांव में ग्रामीणों ने कचरे से भरी ट्रॉलियों को भेजा वापस। गांव में कचरा डालने से रोका। उदयपुर वाटी में निजी स्कूलें जिला कलेक्टर के आदेशों की उड़ा रही है धज्जियां। छोटी क्लासों के बच्चों की नहीं की छुट्टियां। मुकुंदगढ़ कस्बे में पौषबड़ा महोत्सव की धूम। बावलिया बाबा मंदिर में पौषबड़ा का किया आयोजन। लक्ष्मणगढ़ कस्बे में टावर लगाने का विरोध। वार्ड 21 के लोगों ने जताया विरोध। एसडीएम को दिया ज्ञापन। उदयपुर वाटी पंचायत समिति की बैठक। विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने जताई नाराजगी। कहा अधिकारी कर्मचारी अपने रवैये में करे सुधार।
श्रमिक संगठनों की दो दिवसीय हड़ताल के चलते सीकर जिले में बुधवार को भी बैंकों में कामकाज रहा ठप, करोड़ों का कारोबार हुआ प्रभावित। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के विभिन्न यूनियनों ने किया प्रदर्शन, मांगों को लेकर जताया विरोध। दादा कस्बे की हुक्मा की ढाणी में पौने दो साल से लाइलाज बीमारी से पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता, कुमावत सेवा समिति पलसाना की ओर से 25,000 रुपए और घरेलू सामान देकर की सहायता। केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ बुधवार को शिक्षक संघ शेखावत ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। नीमका थाना में किसानों के संपूर्ण कर्जा माफी सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर माकपा ने उपखंड कार्यालय पर किया प्रदर्शन। नेपाल में मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस, इंडियन एम्बेसी में हुआ आयोजन, भारतीय राजदूत सहित लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के प्रवासी जन भी रहे मौजूद। और मुकुंदगढ़ के राजकीय अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी, महिला चिकित्सक के भी नहीं होने के कारण रोज सैकड़ों मरीज हो रहे हैं परेशान, निजी अस्पतालों में या दूर दराज जाने को हो रहे हैं मजबूर। शेखावाटी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए शेखावाटी अब तक चैनल, शेखावाटी अब तक के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर।